परिषद में बैठे और अपने चार अफसरों को और तीन चाटुकार मंत्रियों को अगल बगल बैठाया, तो भी राज्य के मुखिया के तौर पर आपको अफसोस जाहिर करना चाहिए। ये कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा, अगले चुनाव में जनता भी ये कहेगी कि हमको पता नहीं है कि नीतीश कुमार है। इसीलिए ये दिक्कत है, बात समझते क्यों नहीं आप? मूल में बात वही है कि लोकतंत्र मर गया है पिछले 30 साल में। अब आपने बात उठाई है तो याद कर लीजिए, पिछले 30 साल में बिहार में जितना आदमी एमएलए एमपी बना है, चाहे जिस दल से बना हो, आरजेडी से हो, कांग्रेस से हो, बीजेपी से हो, जिस दल से बना हो, सबका सूची बनाइएगा तो आपको पता चलेगा कि 1250 परिवार का आदमी ही आज तक यहाँ एमएलए एमपी बना है। बिहार में रहता है 3.5 करोड़ परिवार, 1250 आदमी का परिवार कैप्चर करके बैठा है, किसी दूसरे को गरीब आदमी को मौका ही नहीं है। वही रहेगा, विधायक का लड़का विधायक बनेगा, मंत्री का लड़का मंत्री बनेगा, तो सामान्य लड़के कहाँ जाएंगे भाई? इसलिए अभियान शुरू किए हैं, हमको दल बन के नेता नहीं बनाना है। हमको अगर सरकार में जाना रहता तो अभी फोन करेंगे नीतीश कुमार, कल हमको शपथ दिला देंगे, हमको सरकार नहीं बनाना है। आप यात्रा कह के ये तो आप समाज को शर्मसार कर रहे हैं, यहाँ के पढ़े लिखे लोग या समझदार लोगों की विद्वता को आप लोग का मजाक उड़ा रहे हैं। किस तरह की यात्रा है भैया? आप हेलीकॉप्टर से आए, परिषद में बैठे और अपने चार अफसरों को और तीन चाटुकार मंत्रियों को अगल बगल बैठाया और आपकी यात्रा पूरी हो गई। बढ़िया खाना खाया, 2-4 लोगों से मिले, हो गया समाधान, हो गई यात्रा पूरी। और किसी ने अगर कोई बात उठा दी, जिस लड़के की आप बात कह रहे हैं, तो दो बात, चाहे वो यूनिवर्सिटी की हो या छपरा में लोगों से मिलने की बात हो, ये तो कोई भी जिसका कोई भी सेन माइंड का आदमी वो कहेगा कि ये करना चाहिए। राज्य के मुखिया के तौर पर ये देखिए कितने शर्म की बात है, राज्य की मुखिया के तौर पर 70 परिवारों के लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। मान लीजिए कि एक बार को उनकी गलती थी, तो भी राज्य के मुखिया के तौर पर आपको अफसोस जाहिर करना चाहिए, उनको सद्भावना देनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। बजाय उसके आप हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा, मैं इसका प्रचार करूंगा। ये उनका अहंकार और विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली जो बात है उसको चरितार्थ करने वाली मानसिकता को दिखाता है। सर, एक मुख्यमंत्री होकर उनसे कोई पत्रकार जब सवाल पूछता है तो वो बोलते हैं कि हमको इस बारे में पता नहीं है, जब भी कोई सवाल होता है तो यही बोलते हैं कि हमको पता नहीं है। अगले चुनाव में जनता भी ये कहेगी कि हमको पता नहीं है कि नीतीश कुमार है कौन।